मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश पुलिस के नए मुखिया सुधीर सक्सेना होंगे, उनके नाम पर सरकार की मुहर लग चुकी है। वे 1987 बैच के आईपीएस हैं। मौजूदा डीजीपी विवेक जौहरी के रिटायर होने पर सक्सेना उनकी जगह लेंगे। आज से 28 साल पहले विवेक जौहरी जब रतलाम एसपी हुआ करते थे, तब उनके तबादले पर 12 अगस्त 1994 को सक्सेना ने उनसे एसपी का चार्ज लिया था। इंदौर में नर्सरी में पढ़ने वाली 4 साल की मासूम होमवर्क नहीं कर पाई तो टीचर ने उसे बुरी तरह से पीट दिया। बच्ची के गाल और चेहरे पर हाथ के निशान पड़ गए। बच्ची के चेहरे पर नाखून से नोचने के निशान भी हैं। बच्ची के पिता ने टीचर के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। मामले में खजराना थाने के एएसआई दीपक कुमार ने बताया कि उन्हें मामले की शिकायत मिली है, जाँच की जा रही है। बच्ची को पीटने के मामले में स्कूल संचालक के बयान लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 150 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया है, लेकिन अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि फंड जुटाने को लेकर हमारा कोई टारगेट नहीं है। समर्पण निधि के बहाने हमारा लक्ष्य तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना है। सूत्रों के अनुसार यह टारगेट पूरा होता नहीं दिख रहा है। बीजेपी के ही दिग्गज नेता इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष शर्मा का ही पिछले दिनों बयान सामने आया था कि समर्पण निधि के कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे। उज्जैन में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भोपाल के बाद महाकाल की नगरी उज्जैन में स्काई डाइविंग शुरू हुआ। इवेंट 4 दिन तक चलेगा। इवेंट मैनेज कर रहे डीएसपी उमाकांत चौधरी का कहना है कि भोपाल से ज्यादा उज्जैन में रिस्पांस मिल रहा है। अलग अलग शहरों से लोग पहुंच रहे हैं। पहले ही दिन काफी उत्साह में इंदौर, नीमच, उज्जैन व अन्य शहरों से एडवेंचर के शौकीन पहुंचे और स्काई डाइविंग का लुत्फ उठाया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को इंदौर में स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान सिंह को पेडमी की गौशाला में हुई घटना की जानकारी दी गई। इस पर पूर्व सीएम ने कांग्रेस नेताओं को सभी गौशालाओं में जाकर व्यवस्था देखने के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को खुद सभी गौशालाओं का ऑडिट करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही सिर्फ धर्म की राजनीति करती आई है। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। गाय को यह लोग माता का दर्जा देते हैं, लेकिन उसकी दुर्दशा की ओर यह लोग ध्यान नहीं देते। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।